मैं भी ये मूली का खट्टा लेके जा रही हूँ आधे रास्ते तक जहां तक हो सकेगा, तो हम हाफ ऑफ पार्ट करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शालिनी रावत। तो अभी हम हरकोट से जा रहे हैं मुनस्यारी और हमें थक लग गई है, थोड़ी उकाल है यहाँ पे, तो हम आपको दिखा। हम भैया से लिफ्ट ले रहे हैं ट्रैक्टर में, तो आप ये देख सकते हैं दादी सब्जियाँ बेच के आ चुकी है बाजार से। बेच दी दादी? मैंने बोला सब्जियाँ बेच के आ गए, बिक गई सब। अच्छा अच्छा, थल थल से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दादी सब बेच दी सब्जी, एक कुछ नहीं बचा? ना ना ना, कुछ नहीं बचा। सब्जी ले आई ए दीदी, इन्हें फटाफट मुंसाई लेके जाते हैं। हाँ, तो ये भैया ने टर्न कर लिया है हमारे ट्रैक्टर और दादी भी अब घर जा रही है वापस, और ये लोग भी मूली वगैरह लेके जा रहे थे, और भैया को मूली बेचनी है आज, है ना? मूली है ना, कितने किलो? तो ये देखिए हम सब बैठ चुके हैं, ये भैया है और ये दूसरे भैया, तो भैया खड़े हो रखे नीचे और इधर पहाड़ पीछे। ओ भैया ने हमें यहाँ तक छोड़ा ट्रैक्टर में, आगे सड़क खराब है और आप ये व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा है। हाँ, और ये भैया है और हम इसके इधर से आए, इधर की साइड है हरकोट, तो यहाँ से होते हुए पहाड़ों को चीरते हुए और ऊपर आए, और आप ये देख सकते हैं व्यू कितना प्यारा है ये व्यू। और इतने खतरनाक रास्तों पे आप देख सकते हैं नीचे महिलाएं घास काट रही हैं, इधर आप देख सकते हैं इतनी नुकीली चट्टाने हैं ये। और गीता छाता लेते हुए, गीता का छाता। देख सकते हैं ये ऊपर पूरी सफेद चट्टाने हैं और नीचे भी पिच गई है पूरी। लोग यहाँ से रोज 7 किलोमीटर आना और 7 किलोमीटर जाना करते हैं यहाँ से लेकर हरकोट से लेकर मुनस्यारी तक। और ये तो सिर्फ अभी 10 किलो का कट्टा है, लेकिन वो लोग 20 30 40 किलो तक की सब्जियाँ मार्केट तक लेके जाते हैं रोज, और उनको बेच के फिर वापस आते हैं, और इस तरह से उनकी आजीविका चलती है। तो पहाड़ के लोग काफ़ी ज़्यादा कठोर होते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। पहाड़ी जीवन सिर्फ 2 दिन के लिए जाके या 1 हफ्ते के लिए जाके अच्छा लगता है दूर से, लेकिन अगर पास से उनकी आजीविका किस तरह से चलती है, किस तरह से वो मेहनत करते हैं, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ये सब करना। स्टॉप नहीं, ए पीछे वाला भी आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़ों की लाइफ कितनी टफ होती है, लोग रोज 5-5, 6-6 किलोमीटर एक तो पहले सब्जियों में इतनी मेहनत करते हैं उगाने के लिए, हाँ, और उनको बंदर जानवर वगैरह सब नष्ट कर देते हैं, खा देते हैं, उसके बाद जो भी उगती है तो लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए इसको बाजार तक लेके आते हैं, बेचते हैं, चाहे बर्फ़ हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो। और बीच के रास्ते तो इस तरह से क्षतिग्रस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकती, वीडियो में इतना दिखता नहीं है, लेकिन सामने जो फील होता है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसे हर जगह पे लैंडस्लाइड है। तो इस तरह से लोग यहाँ पर जीवन यापन करते हैं, और हम लोग तो कुछ दिन के लिए आते हैं और वाह बोल के चले जाते हैं, हो गया, लेकिन असली जो लाइफ है पहाड़ों की वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी।
ये अजीब बात भूख नहीं कर रहा है ये जीव है और आप ये देख सकते हैं ये बत्तख भी है यहाँ पे। तो ये बच्चे की गाड़ी तोप वाली गाड़ी चला रहा है मिलिट्री वाली। तो भैया का मूली का कट्टा तो पूरा बिक गया था और वो पहले से ही फोन पे बात हो जाती है तो सारा का सारा बिक जाता है क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा होटल्स हैं और शादियां वादियां भी होती रहती हैं इसलिए। और अब शाम हो गई है, ये देखिए पंचाचुली का खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। और ये घास लेके आंटी लोग वापस आ चुके हैं और ये बहुत दूर से चट्टानों में जाते हैं घास लेने के लिए। आंटी दादी तो नहीं बोल सकते अभी जवान है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सारी है ना यहाँ पे दादियाँ तो मतलब ऐसे दादी दादी निकल रहा है मुँह से सबके लिए। हाँ मस्त आ रही है आपकी वीडियो। फोन आ गया